नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। खबर, उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर मंडी परिसर में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इस बार मासिक पंचायत कर किसानों के मसीहा एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करते हुए मनाया। वहीं बैठक में मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि देश का अन्नदाता कह जाने वाले किसान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। कहा कि न तो अभी तक सरकार ने किसानों को धान की फसल का भुगतान भी नहीं किया और साथ ही गन्ने का भुगतान भी समय से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान भूखमरी की कगार पर हां खड़ा हुआ है। क्योंकि उधर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के बकाया भुगतान को लेकर समय से भुगतान जमा कराने का दबाव विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इस रवैया से खफा होकर किसानों के रहनुमा कहे जाने वाली भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बैठक में निर्णय लिया कि यदि सरकार ने समय से किसानों का भुगतान नहीं किया तो मजबूरन होकर किसानों को जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। पंचायत हमने आज 23 तारीख को रखी है, नहीं तो 28 को होती थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री हमारे सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी था, उन्हें नमन भी करा है आज हमने, तो इसलिए जा इस मौके पर हमने सभी ने उन्हें नमन करते हुए और 4-5 प्रस्ताव आज हमारे पंचायत में पारित हुए हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड देना मिलना चाहिए, ये हमारी पंचायत में आज प्रस्ताव पास हुआ है जसपुर से। और दूसरा, एक उनका जो मूर्ति स्थापित हो भगवंत चौराहे पर उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। जगतपुर पट्टी में 4 साहिबजादों की मूर्ति, एक गेट स्थापित होना चाहिए जो